So you all have 4 questions. 5 questions. I don't think it's going to take that much time to do. We have 15 minutes before the class ends, so get to work. I think the font is large enough for you all to see clearly. Dikh raha hai? Now 15 minutes are over, I guess. 35 to here. 35 to here. No, sir. 35. ठीक है. चल. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. राइट द फंक्शंस ऑफ स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर. तो स्पीडोमीटर टेल्स यू द स्पीड. व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. ओडोमीटर टेल्स यू द डिस्टेंस. ठीक है. जब आप अपने कार या बाइक का वो सेट देखते हैं जहां पे एक नीडल आपको क्या बताता है, स्पीड, तो वो क्या हो गया, स्पीडोमीटर. और जो बता रहा होता है कि कितने किलोमीटर आपका व्हीकल चल चुका है, ठीक है, वो क्या होता है, दैट इज ओडोमीटर. ठीक है, ये कल भी बताया था. Now the second question, if a train covers a distance of 480 meter in 8 hours, what is the speed of this train? So distance upon time, 480 upon 8, which is 60. Probably the simplest question. Which kind of distance time graph a car moving with a constant speed forms and why? Iska answer koi dena chahega? Yes. Batao, Yadav ji. मतलब कैसा बनेगा ये, अगर सपोज ये लाइन है तो कैसा बनेगा? इधर डिस्टेंस हो गया, इधर टाइम हो गया. अब कैसे, इधर सीधी ऐसे? यस, ही इज राइट. तो दिस इज द ग्राफ दैट विल बी फॉर डिफाइन स्लो एंड फास्ट मोशंस. नहीं, स्लो एंड फास्ट मोशन. तो स्लो मोशन क्या हो गया, जब ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ. ठीक है. और फास्ट क्या हो गया, जब उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस आप कवर. सपोज एक घंटा लगता है आपको नॉर्मल जाने में फाफा मऊ. सपोज इट्स 10 किलोमीटर फ्रॉम. इफ इट टेक्स 3 आवर्स यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम ऑन द ब्रिज, तो आप क्या कहेंगे, आज बहुत स्लो चल रहे. And if you reach there in 20 minutes, मतलब आज बहुत तेज गए. So are you all getting the fast and slow motion? ठीक है. अब इसके बाद if 30 oscillations occur in 120 seconds, what is the time period? अगर 120 seconds में 30 हो रहे हैं तो 1 second में कितना हो? 4 सेकेंड. 4 सेकेंड में 1. ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. यही है, पढ़ा है कि नहीं? चेक इट, कंफर्म करो, मुझे नहीं आता. कंफर्म इट फ्रॉम योर बुक. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. तो अगर 30 ऑसिलेशन में 120 सेकेंड लग रहा है, तो वन ऑसिलेशन में कितना लगेगा? 120 अपॉन 30 मतलब 4 सेकेंड. तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड. ठीक है. तो यहाँ पे 30 ऑसिलेशन वो 120 सेकेंड में कर रहा है. एक ऑसिलेशन कितनी देर में करेगा? 120 अपॉन 30. जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4. तो मतलब 4 क्या आ गया इसका? 4 इज द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज 4 सेकेंड. एक ऑसिलेशन करने में इसे 4 सेकेंड लगेगा. तो 5 वेरी सिंपल क्वेश्चंस, थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो हो जाते. फॉर दोज हु हैव नॉट परफॉर्म नाइसली, भाई समय बहुत कम है. फ्रॉम 4 डेज यू हैव योर एग्जाम्स, स्टार्ट स्टडिंग. घर जाओ, सेलफोन नहीं छूना है 1.5-2 घंटे. खूब अच्छे से पढ़ाई करो,
लर्न द आंसर दैट यू हैव रिटन इन योर नोट्स. नहीं लिखा है तो अब लिख लो. दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दैट वी हैव. ठीक है. नाउ फॉर दोज हु आर ऑनलाइन, आई होप यू ऑल हैव नोटेड डाउन द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस. एक्सप्लेनेशन भी सबने देख लिया है, क्या था समझाया, अभी समझ आ गया. ठीक है, थैंक यू देन. Yes, sir. Yes, sir.